कुछ समय पहले ही अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू होने की जानकारी सामने आई है, और जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। जो जगह का नाम मैं आपको बता दूं कि नौगाम शाहबाद दूरू का इलाका है अनंतनाग का, जहां पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में इस समय मुठभेड़ चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी, ये स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे कि यहां पर कुछ आतंकवादी हो सकते हैं, और जिसके बाद अब पुलिस और आतंकवादियों के बीच में जो है इस समय फायरिंग चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि केवल पुलिस इस पूरे ऑपरेशन को नहीं देख रही है, बल्कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है जिसमें पुलिस, आर्मी और CRPF ये तीनों ही मिलकर इन आतंकवादियों के साथ इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है उसके घायल होने की जानकारी प्राप्त हो रही है, और उससे उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, और पूरे तरीके से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, और एक बड़े लेवल पर इस समय वहां पर एनकाउंटर चल रहा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हो सकता है कुछ ही देर के बाद ये खबर भी सुनने को मिलेगी कि कुछ आतंकवादी जो हैं वो इसमें मारे जा चुके हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बताया ये जा रहा है और आशंका ये जताई जा रही है कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। और ये जानकारी जो है ये कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है, और इस पर क्या जानकारी निकल कर सामने आती है वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अनंतनाग के नौगाम शाहबाद दूरू का इलाका है जहां पर ये इनकाउंटर शुरू हुआ है, और इनिशियल रिपोर्ट्स अभी ये मिल रही हैं कि यहां पर 2 से 3 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, और जिसमें से अभी तक किसी आतंकवादी के मारे जाने की जानकारी तो सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें एक पुलिस का जवान जो है उसके इंजर्ड होने की जानकारी ज़रूर मिल रही है, और प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए। लेकिन इसमें ये जो ऑपरेशन है ये अभी चलाया जा रहा है, और ये एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो इस समय चलाया जा रहा है जिसमें आतंकवादियों को चुनकर और ढूंढ कर उन्हें मौत के घाट उतारने में आतंकवादियों को जो है इस समय आर्मी, CRPF और पुलिस तीनों ही लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और इस समय फायरिंग जो है वो चल रही है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में। आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से जो है ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर घाटी में चलाया जा रहा है, और जिस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जितने भी टॉप कमांडर्स हैं आतंकवादियों के, खास तौर पर उन्हें चुन चुन कर इस समय निकाला जा रहा है और उनके सही ठिकाने पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। हालांकि दहशत का माहौल पिछले दिनों में आपने देखा किस तरह से फैलाने की कोशिश जो है ये आतंकवादी लगातार कर रहे हैं, किस तरह से कश्मीर घाटी में माइनॉरिटीज़ को टारगेट बना रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा बलों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसके बीच आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए पूरे तरीके से जो है एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जहां पर भी स्पेसिफिक जानकारी मिलती है वहां पर इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाता है और इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, जो एनकाउंटर अनंतनाग में चल रहा है, इसमें 2 से 3 आतंकवादी ज़रूर छिपे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इस समय जो है फायरिंग उस इलाके में चल रही है जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल भी हुआ है, और ये एक जॉइंट ऑपरेशन है पुलिस, आर्मी और CRPF का। और क्या जानकारी निकलकर इस पूरे ऑपरेशन से सामने आती है हमारी नज़र बनी रहेगी, जो ही कोई और अपडेट सामने आएगा आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। देखते रहिए चैनल 1।